नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तीन फेज में चुनाव होने वाले हैं। पहले फेज के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पहले फेज के लिए 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। मैं आपको एक एक करके उन सीटों का नाम बताता हूं जहां पर पहले फेज के दौरान वोटिंग डाली जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगभग 31,000 पोलिंग बूथों का इंतजाम किया गया है पहले फेज के लिए, क्योंकि हर 1,000 मतदाता पर एक पोलिंग बूथ होगा। जो सीटें, विधानसभा सीटें जिस पर चुनाव होने वाला है पहले फेज में, वो हैं कहलगांव, सुल्तानगंज, अमरपुर, धोरिया, बांका, कटोरिया, बेलहर, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, मोकामा, बार, मसुराही, पालीगंज, बिक्रम, संदेश, बरहरा, आरा, अजियाव, तराई, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, कारघर, दिनारा, नोकहा, देरही, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, गरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अटरी, वजीरगंज, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई। ये वो 71 सीटें हैं जहां विधानसभा चुनाव के पहले फेज के दौरान वोटिंग डाली जाएगी। बिहार में ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसे लेकर चुनाव आयोग ने कुछ खास तैयारियां भी की है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से हर मतदाता जो ईवीएम को प्रेस करेगा उसके लिए ग्लव्स की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो पोलिंग बूथ पर एजेंट होंगे उनके लिए भी सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखा जाएगा। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक हेल्थ वर्कर भी हर पोलिंग बूथ पर दिया जाएगा, जो भी मतदाता वोट डालने आए उनको लेकर या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या संक्रमण को लेकर वो काम कर सकें। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे इसकी गिनती 10 नवंबर को होगी। अगर आप मतदाता हैं और आप भी इन विधानसभा सीटों के मतदाता हैं तो आप तारीख याद कर लीजिए, 28 अक्टूबर को आपकी इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आप भी वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि वोट डालने से ही लोकतंत्र का निर्माण होगा और मतदान आपका अधिकार है।